So yes, hello everyone. Welcome to iFace. Very very good morning to all of you. Welcome to iFace. तो बताइए जी कैसे हो एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कौन कौन आज हमारे साथ जुड़े हैं. किरण, आई थिंक नाउ द वॉइस इज वर्किंग, एवरीथिंग इज प्रॉपर. सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हमारे साथ कौन कौन स्टूडेंट आज है. अभिषेक सर सीयूईटी के लिए कब आएगा? अभिषेक सीयूईटी के लिए ऑलरेडी मैं एनालिटिकल स्किल्स और मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ बता चुका हूँ. एंड आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के बारे में भी आपको पूरा पीवाईक्यू मैं करा चुका हूँ. तो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है अभिषेक. उसके बाद भी अगर आप लोग को लगता है कि कुछ सीयूईटी का आपको अच्छा होगा अगर सीरीज आएगा तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई फॉर यू. ओके साक्षी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. जब आप जहां आपको पता है कि CSI नेट का जो एग्जामिनेशन है सितंबर में होने वाले हैं, तो इसी टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फोकस करना जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर. आपको पता है जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस करने का मौका आपके पास होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको करना होता है और 2 मार्क्स करके 30 मार्क्स होते हैं. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे वो लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथमेटिकल साइंस हो, चाहे फिजिकल साइंस हो या केमिकल साइंसेस हो, सारे स्टूडेंट जो है उनमें से जो ट्राई किए थे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दे हैव स्कोर 13+ क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. मतलब करीब करीब 26 मार्क्स. CSI नेट में ये मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जहां 1-2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट JRF छूट जाते हैं, उसी जगह पर एप्टीट्यूड पे अगर कोई 26+ स्कोर कर रहा है, ऑब्वियसली दे गॉट द रैंक ऑफ JRF, राइट? सो यस, देख लेते हैं. साक्षी वेरी गुड मॉर्निंग. अंसारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. चलिए तो मैं थोड़ा बहुत बता दूं ये सीरीज में क्या होने वाला है. मेरा जो एक्सपीरियंसेस है, मेरा जो लर्निंग है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई होप वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. जैसा आज आप देख सकते हो नंबर्स के ऊपर कुछ सवाल मैं लेकर आया हूँ और उन सवालों को एक स्पेशल कैटेगरी का सवाल है, वो सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जी. जी हाँ, रिसेंट ईयर्सों में जो सवाल आए हैं उन सवालों को करने के माध्यम से हम चीजों को सीखेंगे, उस सवाल के पीछे जो नॉलेज है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. और आप जरूर देखिएगा कि ये जो सवाल हम करेंगे यहाँ पे, इससे जरूर जरूर आपको CSI नेट पे फायदे मिलेगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लाइफ साइंसेस का हो, केमिकल साइंसेस का हो, ये भी हो सकता है कि जी कॉमन आ जाए डीटो सवाल इन सीरीज से, तो ये सीरीज जरूर अटेंड करिएगा. उसके बाद IFAC ऐप में आप ये सीरीज का जो पर्टिकुलर PPT का जो PDF है दैट यू विल गेट, और उसके साथ साथ कॉन्टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हो. यानी कि आज जितना सवाल आप कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड अगर कुछ सवाल आप करना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा. सर एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन बहुत कम हुई है मेरी, मुझसे सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन. वही तो है अंसारी, मैं आपको इस सीरीज में और भी एक चीज सिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अप्रोच. मतलब सवालों को मैथ ना करके भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे उपाय है. मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको बताता हूँ. 5-7 क्वेश्चन कॉमन सेंस का आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, 5-7 क्वेश्चन कॉमन सेंस का जो सवाल है वो जरूर आप कर पाओगे विदाउट हैविंग सो मच नॉलेज अबाउट मैथमेटिकल थिंग्स. चलिए शुरू करते हैं, लिटिल बाय लिटिल यू विल गेट टू नो, आपको समझ में आ जाएगा जी. चलिए ये एक सवाल था, ठीक है, आप देख सकते हो December 2019 लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस का एक साथ एग्जाम था, वहां पे आए थे. इस सवाल का जवाब आप करने की कोशिश करिए, अंसारी करिए, सारे स्टूडेंट ट्राई करिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा. क्वेश्चन में पूछा गया है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सॉरी, क्वेश्चन में बताया गया है 2-digit नंबर इज सच दैट इफ द डिजिट 4 इज प्लेस्ड टू इट्स राइट. 2-digit नंबर के राइट साइड में अगर 4 आप बैठा होगे, इट्स वैल्यू वुड इंक्रीज बाय 490. तो उसका जो वैल्यू है नंबर का, पहला नंबर से मान लीजिए ये 48 है, उसके राइट में अगर 4 बैठा होगे तो जो नंबर आएगा 48 से 490 ज्यादा होना चाहिए. समझ में आ गया?
its value would increase by 490. Find the original number. So this is the question. आप लोग बताइए इसका सही जवाब आपको क्या लगता है. Your time starts now. और सारे स्टूडेंट ट्राई करिएगा जी, इन क्लासेस में ये जो यूट्यूब में लेक्चर होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए और पेन और पेपर रखिए, मेरे साथ साथ सवाल को सॉल्व करिएगा. बताइए जी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. मैं देखना चाहता हूं आपका सही जवाब क्या आ रहा है. ममता इज सेइंग वी, वेरी गुड ममता, नाइस टू सी योर आंसर. तो देखिए ये सवाल ही CSIR नेट पे आया है और नंबर्स यानी कि मैथमेटिक्स बेस्ड होना चाहिए था, लेकिन इस सवाल में मैथ्स कुछ नहीं है जी, राइट. तो कैसे करना चाहिए ऐसे सवालों को. ममता वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत खूब. बाकी स्टूडेंट भी जवाब देने की कोशिश करिए, बहुत इजी सवाल है. यहाँ पे मैं देख सकता हूं हर्षरतन आर, वेरी गुड. साक्षी सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दिखा रहे हो यार, बहुत खूब. आंसर क्या आप कुछ बताना चाहते हो जी. देखिए कितना इजी सवाल है, सर कैसे करूं. देखिए आपको बताया गया है कोई एक टू डिजिट नंबर है, उसके राइट साइड में आपको क्या पुट करना है, एक डिजिट 4 पुट करना है. और बताया गया है करने के बाद वो नंबर 490 ज्यादा हो जाएगा. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो क्यों ना हम ऑप्शन से करते हैं. जी हाँ, इसको बताते हैं ऑप्शन से सोचना मेथड. इसको बहुत ध्यान पे रखिएगा, कुछ सवाल जो है इसी से हो जाएगा. ऑप्शन से सोचना मेथड, यानी कि ऑप्शन से वैरी करवा के आपको जवाब निकालना है. ऑप्शन से सोचना मेथड. तो ऑप्शन से क्या सोचना पड़ेगा सर जी, ऑप्शन से क्या सोचेंगे हम. ऑप्शन से बस इतना सोचना है, अगर ऑप्शन 1 आप लेकर टेस्ट करते हो 48 था सर, उसके बाद अगर एक 4 पुट करोगे 484 हो जाएगा. तो क्या ये 48 से कभी भी 490 ज्यादा हो सकता है. क्या बात कर रहे हो सर, 484 itself 490 से छोटा है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत है. ऑप्शन बी यानी 54 पे आ जाइए जी. ऑप्शन 2 यानी 54, सर 54 के राइट साइड में अगर एक 4 आप प्लेस करते हो वो बन जाता है 544. वो 54 से कितना ज्यादा है, तो माइनस 54, 440 आ जाता है जी. 5 से 4 आपको पता है क्या होता है, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11 से लेकर 14 तक जाना होता है. 9 आ गया, 1 कैरी ओवर, सो यहाँ पे 490, यानी 54 से 544, 490 ज्यादा होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा 54. अंसारी जी आपको समझ में आया सर, प्रोबेबिलिटी भी समझा दीजिएगा जरूर जयप्रकाश. इस वीक में पांचों टॉपिक आपके लिए रखा मैंने, उसके बाद धीरे धीरे ये सीरीज कंटिन्यूड होगा और एग्जाम तक इस सीरीज में जो सवाल है आपको मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, बहुत बहुत खूब. ये सर क्लियर, तो आंसर ही आपको समझ में आ रहा है. नथिंग इज मैथ्स, सो मच मैथमेटिकल हियर, कॉमन सेंस का सवाल है. तो सही जवाब हो गया 54. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. आई होप, आई बिलीव जरूर जरूर आपको मजा आएगा. ऑप्शन से सोचना मेथड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लेट्स मूव ऑन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. इसमें कुछ नॉलेज का जरूरत है, वो मैं आपको सिखाऊंगा. पहले तो आपको मैं देखना चाहता हूं कि आप में से किसको किसको पता है. तो which of the following 7 digit numbers cannot be a perfect square. आपको बताया गया है A एक नंबर है जो 4 5 XYZ 2 6, ऐसा नंबर है. उसके बाद B बताया गया है 2 XYZ 1 7 5, C बताया गया है XYZ 3 3 1 0. और ये सवाल आया था जी December 2019, life sciences and physical sciences का common set था उस year पे और ये सवाल आए थे. बताइए जी क्या हो जाएगा, बस बाकी लेक्चर शेड्यूल नहीं आ जाएगा जी, आ जाएगा. बहुत खूब, बहुत खूब, फैंटास्टिक. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ थर्शरथन आर, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है जी. सारे स्टूडेंट बताइए, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है सोचना नहीं जी, मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, आज के बाद आपको जरूर आएगा ऐसा सवाल. साक्षी सिंह बता रहा है ओनली सी, ठीक है, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने साक्षी जी. आगे भी हम देखते हैं क्या नॉलेज है इसके बारे में.
Very good, very good. Very good morning, Gayatri. How are you, Gayatri Asava? Nice to see you here. I hope सब अच्छा चल रहा है और आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रहे हो लाइफ में, राइट? सो यस, चलिए आगे देखते हैं. वेरी गुड, ममता इज सेइंग डी. वेरी वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो देखिए, इसके बारे में कुछ नॉलेज लगेगा. पहले तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है. तो मैं पकड़ पकड़ के छोटे छोटे कंसेप्ट को समझाऊंगा. देखिए, सबसे पहले देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. जैसा देखिए, चार, चार को हम बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर. क्यों सर? इसको आप टू के स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते. जैसा मान लीजिए 16, इसको आप कह सकते हो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि आप इसको 4 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो. नाउ द क्वेश्चन लाइज, सबसे पहली बात हम जो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है सर, तो उसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या हो सकता है. यूनिट डिजिट मतलब सर, मान लीजिए 213 एक नंबर है, इसमें इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट जो यूनिट प्लेस में है, इसको हम कहते हैं टेंथ प्लेस, इसको हम कहते हैं हंड्रेड्स प्लेस. बचपन में सीखा था आपने, राइट? तो एनीवे, यूनिट डिजिट क्या होगा ये ढूंढने की कोशिश करेंगे अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. और इस ढूंढने की कोशिश में हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे. देखिए जी, अगर कोई नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. देखिए, दुनिया में चाहे कोई भी नंबर बने हैं वो यही डिजिट से बने हैं. तो मान लीजिए कोई भी नंबर अगर खत्म होता है तो इसी से होगा, ठीक है? अभी देखिए, आप मुझे बताइए इसी नंबर का, इन सारे नंबर्स को देखो, इन डिजिट्सों को देखो, इसको अगर स्क्वायर करते हो तो क्या आ जाता है? जीरो का स्क्वायर करने के बाद जीरो आता है. तो स्क्वायर्स अगर मैं लिखूं, स्क्वायर्स करते हो तो क्या आता है जी? सिर्फ इस डिजिट के बारे में सोचिए, जीरो से लेकर नाइन तक. वेरी गुड मॉर्निंग आरती, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, वेलकम बैक, वेलकम बैक. स्क्वायर्स करिए, जीरो, वन स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नाइन, चार का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है. फाइव का स्क्वायर 25 होता है जी. सिक्स का स्क्वायर 36 होता है. बेटर विल राइट जस्ट द लास्ट डिजिट. हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखेंगे, स्क्वायर्स लास्ट डिजिट, स्क्वायर्स लास्ट डिजिट को हम लिखेंगे. फोर का स्क्वायर 16 होता है यानी 6 होगा. फाइव का स्क्वायर 25 यानी 5. 6 का स्क्वायर फिर से 36 यानी 6 होगा. 7 का स्क्वायर 49 यानी 9 होगा. 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 होगा. 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1 होगा. यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए प्लीज कमेंट करके. यहां तक कमेंट क्लियर है कि नहीं बताइए. यानी कि कोई भी नंबर 0 से अगर 9 तक नंबर्स के बारे में सोचोगे, उसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट ये आएगा. बिल्कुल, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. देखिए, हम मेरे क्लास में कोड लैंग्वेज है, अगर आपके पास ये आइडिया क्लियर है, राइट डाउन सीसी यानी क्रिस्टल क्लियर. हम क्या पढ़ रहे हैं जी? कोई स्क्वायर नंबर का नेचर, कोई स्क्वायर नंबर का नेचर. रवि रस्तोगी जी, वेलकम जी, वेलकम, नाइस टू सी यू हियर. स्क्वायर नंबर का नेचर, तो आप देख सकते हो कोई भी जीरो से लेकर नाइन तक नंबर हम सोचेंगे, लास्ट डिजिट पे जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, चार आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, उसके बाद 5 आ सकता है, 6, 9, 4, 1. यानी कि सर, कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर, क्यों ऐसा बता रहे हो सर? मान लीजिए 23 है, उसका आप स्क्वायर निकालोगे, वही तो घुमा फिरा कर 3 3 9 ही आएगा ना लास्ट डिजिट पे. इसीलिए 3 का स्क्वायर जो लास्ट डिजिट होता है, 23 का स्क्वायर भी लास्ट डिजिट वही होगा. यानी कि सर, ये जो लास्ट डिजिट का सिलसिला है ना स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट का सिलसिला है ना, वो सारे नंबर नहीं हो पाएंगे. सिर्फ जीरो हो सकता है, देखिए, वन हो सकता है, टू है क्या? टू नहीं है, टू कभी नहीं हो सकता. उसके बाद से तीन हो सकता है क्या? तीन भी नहीं हो सकता. उसके बाद चार हो सकता है. उसके बाद सर पांच हो सकता है. उसके बाद सिक्स हो सकता है. सेवन नहीं है सर.
एट नहीं है सर, नाइन हो सकता है. सो 1 0 1 4 5 6 9 हमेशा हमेशा के लिए स्क्वायर नंबर का एन डिजिट जो है वो सिर्फ ये सारे नंबर्स हो सकते हैं. तो अभी मुझे बताइए, पूरा बोलने का जरूरत नहीं है, बस मुझे बताइए ए जो है यानी 4 5 x y z, ये नहीं, यहाँ पे सारे हो सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा 3 6 x y 2, क्या ये कभी इज इट अ स्क्वायर नंबर, कैन इट बी अ स्क्वायर नंबर, मुझे बताइए आंसर करके. अगर मैं क्वेश्चन करूं कैन इट बी अ स्क्वायर नंबर, कैन इट बी अ स्क्वायर नंबर, मुझे बताइए क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है जी. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है. आंसर इज वेरी गुड, आप लोग बता रहे हो नो. सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए जी, क्या ये स्क्वायर नंबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता. वेरी वेरी गुड साक्षी, वेरी वेरी गुड अंसारी, नहीं हो सकता जी, क्योंकि एंड में टू है. तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्क्वायर नंबर है लेकिन कौन सा नहीं. लेकिन सर अगर एंड में ये सारे डिजिट आ गया, जैसा देखिए 6 भी यहाँ पे है सर, 0 भी यहाँ पे है, 5 भी वहां पे है, तब कैसे आप डिसाइड करोगे स्टूडेंट. तब डिसाइड करने के लिए वेरी गुड शताब्दी विश्वास, अच्छा नो सर इट कैन नॉट बी अ स्क्वायर नंबर, वेरी गुड. तो यानी कि जी आपको ये नंबर स्क्वायर है कि नहीं है जो मैं बता रहा था. मान लीजिए एन डिजिट में ये आ गया, एक तो है एन डिजिट में 2 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, आप बेझिझक बता दोगे कि वो सारे स्क्वायर नंबर नहीं है. लेकिन अगर एन डिजिट में 6 आया, 0 आया, 5 आया, ये आ चुका है जी, तो आप क्या करोगे उसके लिए जो रूल है प्लीज देख लीजिए. उसके लिए आप देखो टेंथ प्लेस क्या क्या हो सकता है. ये 0 1 4 5 6 9, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख दूं, 0 1 4 5 6 9, ये अगर एन डिजिट आ गया तो आपका नंबर स्क्वायर है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा टेंथ प्लेस के ऊपर. टेंथ प्लेस याद है, अब भी बताया था आपको, टेंथ प्लेस का जो डिजिट है उसके ऊपर. टेंथ प्लेस में अगर 0 होता है यूनिट डिजिट में, जैसा मान लीजिए 10 का स्क्वायर क्या होता है जी 100 हो जाते हैं, मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर के एंड पे अगर 0 है टेंथ प्लेस भी 0 होना चाहिए. तो ये अगर एन डिजिट 0 है उसके आगे भी और एक 0 होना चाहिए, ठीक है. पहले देख लीजिए उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा. तो अगर एन यूनिट डिजिट 0 है टेंथ प्लेस भी 0 होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे एक 0 है लेकिन उसके आगे 1 है, तो क्या ये स्क्वायर नंबर हो सकता है प्लीज मुझे बताइए. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सी स्क्वायर नंबर हो सकता है. आप लोग सोचकर बताइए, पूरा जो है आइडिया आज ही सीख कर जाओगे घर पे, कोई सोचने वाला बात नहीं, बस मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करना है आपको. नहीं हो सकता, राइट, वेरी गुड, नो, आंसर इज सेइंग नो, वेरी गुड. सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करिए और कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्या ये हो सकता है जी ना नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 2 0 होना चाहिए हमेशा के लिए. अगर स्क्वायर होगा 2 0 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता सर. अगर 1 है उसका नेचर क्या है थोड़ा देखिए ना, कैसे याद रखना है. देखो सिर्फ रट्टा नहीं करना है, सिर्फ चीजों को याद ऐसे नहीं करना है कि मेमोराइज कर लिया. यू मस्ट हैव अ लॉजिक. और लॉजिक क्या है सर, अगर 1 एंड में होता है, कहां कहां पे 1 होता है सर, आपको पता है 9 स्क्वायर 81 होता है. उसके अलावा सर 11 का स्क्वायर, आप बताइए 1 कहां पे होता है, 11 का स्क्वायर में होता है ना 121. सर देखो लास्ट पे अगर 1 है उसके आगे एक इवन नंबर हो रहा है, या फिर 2 या फिर 8, मतलब एंड पे अगर 1 है तो टेंथ प्लेस मस्ट बी इवन होना चाहिए. अगर टेंथ प्लेस इवन नहीं होगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं बन सकते हैं. अगर इवन होगा तो होगा ही, कोई गारंटी नहीं है. जैसे 41 एक नंबर ले लीजिए, 41 स्क्वायर नंबर है नहीं, बट 1 के आगे इवन है. लेकिन अगर इवन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं. समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक. 4 है, अगर एंड
पे चार है तो उसके आगे क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सर आपको पता है 8 स्क्वायर, आप बताइए एंड में चार वाला और भी नंबर बताइए, एंड में चार वाला और भी नंबर बताइए। सर देखिए 8 स्क्वायर जो है, 8 स्क्वायर के एंड पे 64 चार आते हैं, 8 स्क्वायर जो है उसके एंड पे चार आते हैं और उसके आगे कैसा नंबर है? इवन है। और भी एग्जांपल लेकर आप खेल सकते हो जी, बस याद मत करिएगा, चीजों को समझ कर पढ़ाई करिए, ऑब्वियसली आपको फायदे ही फायदे मिलेगा। तो चार अगर होगा उसके आगे भी इवन मस्ट भी होना चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग ई और ओ, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, बिकॉज उतना जगह नहीं मिलेगा हम लोग को। तो ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, तो चार के आगे भी इवन होगा। क्या मुझे बता सकते हो कोई, अगर पांच एंड में होगा उसके सामने क्या होना चाहिए? आई होप यू आर प्रिपेयरिंग अ नोट, आप नोट लिख रहे हो मेरे क्लासेस में, प्लीज हैव ए पेन एंड पेपर, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसका बैकग्राउंड नॉलेज को भी मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन इसी क्लासेस में हो जाएगा। तो मुझे बताइए प्लीज 12 का स्क्वायर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आप मुझे बताइए यहाँ पे कि 5 अगर होगा उसके आगे 10th प्लेस में क्या हो जाएगा? 5 अगर होगा तो उसके आगे क्या हो जाएगा? 5 अगर होगा उसके आगे क्या हो जाएगा? क्या कोई मुझे बता सकते हो जी? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, बताइए लास्ट में 5 आ रहा है ऐसे स्क्वायर नंबर कौन है? सर आपको अच्छे से पता है ऐसा स्क्वायर नंबर 25 है, ऐसा स्क्वायर नंबर और क्या क्या है बताइए? 225 है, आपको पता है 15 स्क्वायर इज 225। सर देखो हमेशा के लिए 5 के आगे 2 ही आ रहा है, जी हाँ 2 आएगा, नॉट ओनली इवन आरती, आरती वेरी गुड ट्राई, हमेशा 2, सिर्फ 2 आएगा। तो याद रखिएगा एंड पे अगर 5 है स्क्वायर नंबर में 5 के आगे 2 आना चाहिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद रूल बना पाओगे। 6 के लिए बताइए, सारे स्टूडेंट 6 के लिए बताइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप 6 के लिए बताइए क्या रूल होगा। What is the rule for 6? Please write down in the comment box, comment करके बताइए 6 के लिए क्या रूट होगा। Very very good, Sasharathan, very very good, Ansari very very good, it should be odd, क्योंकि देखिए 6 square 36 और 3 कैसा नंबर है सर? इसके अलावा आंसर ही बताइए तो लास्ट पे 6 आएगा ऐसा एक स्क्वायर नंबर, लास्ट पे 6 आएगा ऐसा एक स्क्वायर नंबर, आंसर ही क्या आप बता सकते हो? वाओ, किवान दी शाहू इज सेइंग 3 एंड इट्स मल्टीपल, नेक्स्ट लेवल के बातें बता। सर ये क्लास कितने आवर्स के है किरण? आप आराम से क्लास करिए, ठीक है, इफ यू आर फ्री आराम से क्लास करिए, ध्यान पढ़ाई में दीजिए। वेरी गुड, आरती जायसवाल इज सेइंग ऑड, और अगर एंड नंबर 9 होगा उसका रूल क्या होगा जी? प्लीज बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, अगर एंड नंबर 9 होगा उसका रूल क्या होगा? अगर एंड नंबर 9 होगा ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए, अगर एंड नंबर 9 होगा ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए, ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर। 16 सर आंसर ही, वेरी गुड, क्या बात आंसर ही, 16 स्क्वायर 216, वेरी थशरथन, वेरी गुड इवन, साक्षी सिंह वेरी गुड इवन, मतलब आप सीख चुके हो। तो देखिए अगर 9 होगा आप इवन होगा, और आंसर ही प्लीज आंसर ही बताइए और एक बार, एंड पे 9 होगा ऐसा स्क्वायर नंबर, एंड पे 9 होगा ऐसा स्क्वायर नंबर। आई एम न्यू हियर, विजय इज सेइंग, विजय नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। विजय आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो? आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो? आपका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से हो? बाकी स्टूडेंट भी जो हो, आप थशरथन, साक्षी, आंसारी, किरण, आप लोगों से नया मुलाकात हो रहा है, किवांदती शाहू, ठीक है, शताब्दी, आप लोग बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है, आप लोग कहाँ से हो, थोड़ा बहुत मुलाकात हो जाए। जैसा आरती को मैं पहचानता हूँ, ऐसा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम बताइए, आप केमिस्ट्री फ्रॉम वाराणसी यूपी, नाइस प्लेस विजय, नाइस टू मीट यू। मेरा तो कब से मन है वाराणसी जाने का, बट अभी तक मौका नहीं मिला। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वाराणसी, ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस, ओल्डेस्ट सिटी इन फैक्ट। चलिए और बताइए कौन कौन हो आज हमारे साथ, प्लीज बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से हो? आपका सब्जेक्ट क्या है? पढ़ाई तो हो ही रहा है, उसके बीच में थोड़ा लाइफ साइंसेस, किवंदती शाहू सिंह लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी, ओके,
एंड छत्तीसगढ़, ओके वाह बहुत अच्छा छत्तीसगढ़। एंड उसके अलावा आप कौन कौन हो आज? शताब्दी लाइफ साइंसेज, आसाम शताब्दी, वेरी गुड। आसाम वॉज माई फर्स्ट वर्किंग प्लेस, मतलब पहला काम मैं वहां से ही शुरू किया था। जय प्रकाश लाइफ साइंसेज फ्रॉम इलाहाबाद, वाओ ग्रेट, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा, सब स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खूब बहुत खूब। आई होप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जैसे आपको आंसर करते हो हमको समझ में आता है, चाहे आज यूट्यूब हो गया है, आप कमेंट लिख रहे हो, लेकिन कितना समझ आपको आता है। अच्छा, और एक स्टूडेंट जो है थर्शरतन आर, आप कहाँ से हो जी? तो हमको बात करने के बाद, कमेंट देखने के बाद समझ में आ जाता है आपका कैपेबिलिटी क्या है। और मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ, यू हैव द कैलिबर टू एक्सेल इन CSINET। अगर आप CSINET देना चाहते हो, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ठीक है। थर्शरतन मैथमेटिक्स फ्रॉम तमिलनाडु, वेरी गुड, अरे क्या बात, जस्ट फ्यू डेज अगो आई विजिटेड चेन्नई, नाइस प्लेस राइट। चलो शुरू करते हैं फिर से। तो अभी जो बताया मैं, इस नॉलेज को अप्लाई करके अभी इस क्वेश्चन को करिए, पूरा नॉलेज आपको मैं दे चुका हूं जी। देखिए तीनों नंबर है, ए है, बी है और सी है। जैसे मैंने बताया था जीरो एंड पे है, उसके आगे जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। सिमिलरली ए और बी के बारे में क्या ख्याल है जी आपका, प्लीज बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। आप लोग एनालिसिस करिए, देखिए आपको सीखना है, ठीक है। एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है, एग्जाम हॉल में बैठ के सोच कर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण पे आप सोचिए और बताइए व्हिच इज करेक्ट, ऑप्शन ए और बी जो है वो क्या होगा, प्लीज बताइए। सारे स्टूडेंट कमेंट करिए व्हिच शुड बी द करेक्ट आंसर देन। वेरी गुड आंसर, ही क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी बताइए इजी है या डिफिकल्ट, आप मुझे बताइए। इजी है ना, सारे CSINET का सवाल है और लाइफ साइंसेस फिजिकल साइंस 2019 रिसेंट इयर्स पे आए हैं। वेरी गुड शताब्दी, ऑल आर वेरी वेरी गुड। कैनॉट बी, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स कैनॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आप लोग बता रहे हो सर कोई भी नहीं, वेरी गुड। किवंदति शाहू, वेरी गुड। यहाँ पे फिरदोस बता रहा है लाइफ साइंसेज कश्मीर, क्या बात फिरदोस, क्या नाम बता दिया आपने, बहुत अच्छा जगह है। समडे मे बी मैं जा पाऊंगा, मुझे बहुत जाने का इच्छा है कश्मीर, जितना ब्यूटीफुल है। आरती जायसवाल, वेरी गुड फोर, फैंटेस्टिक, सही बताया आप लोगों ने, मेरा पूरा विश्वास था आपके ऊपर। आप देखो यहाँ पे जी सिक्स आए हैं, आपने खुद बताया था सर सिक्स होगा, उसके आगे ऑड होगा, लेकिन यहाँ पे एक इवेंट नंबर है तो ये हो नहीं पाएगा सर। उसके आगे देखो ये पांच तो है, लेकिन उसके आगे सेवन है, होना क्या चाहिए, टू होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑल थ्री, ऑल ऑफ थ्री कैनॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। फिरदोस, या थैंक यू सो मच फिरदोस, बिल्कुल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये जो सवाल है कितना अच्छा सवाल है, और इस सवाल का नॉलेज भी कितना इजी है, बस अगर पता नहीं है आपको तो मुश्किल होगा करना, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर, प्लीज राइट डाउन CC इन द कमेंट बॉक्स, यानी क्रिस्टल क्लियर। अगर आपके पास ये आइडिया जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बातें समझ में आ रहा है, हाँ ये क्लास निकिता अभी डेली होगा, मेरा बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर भी है, लेकिन हम ऑफलाइन सेंटर्स में इतने बिजी, स्टूडेंट छोड़ता ही नहीं है कि आपके पास आओ, तो ऑफलाइन सेंटर्स में इतना बिजी थे इसीलिए थोड़ा आने का। आरती आप भी बता रहे थे कि सर कब होने वाला है लेक्चर्स, तो यही प्रॉब्लम था, बट अभी इस वीक के लिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सुबह 10 बजे, हर दिन सुबह 10 बजे पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके पास इस YouTube चैनल यानी IFS एप्टीट्यूड में जरूर आऊंगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो के नीचे कि आपका जरूरत क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हो मुझसे, आप इसी मोमेंट पे कौन सी टॉपिक आपको लगता है कि शायद सर एक लेक्चर अगर लेते हो तो आप हेल्प मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स भी मैं ले चुका हूँ, लास्ट नेट के आगे भी मैं पढ़ा चुका था, सारे लेक्चर्स इसी चैनल में अवेलेबल है प्लेलिस्ट के माध्यम से, तब आप वहां पे जाके भी बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। शिवानी राणा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। PYQ करा दीजिए मैथमेटिकल साइंस का निकिता, ये सारे क्वेश्चन है आज का सवाल में भी, दो तीन मैथमेटिकल साइंसेस का भी है, जैसे जैसे सवाल आप देख रहे हो ऐसा मैथमेटिक्स में ही सवाल पूछा गया है, सेम है, ठीक है सर। लाइफ साइंसेस के PYQ प्लीज। हाँ शिवानी, ये देखिए ना क्या देख रहे हो आप, दिसंबर 2019 लाइफ साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस एक साथ एग्जाम हुआ था और ये सवाल आए थे,
ठीक है, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आंसर ही बता रहा है डिस्टेंस स्पीड। बिल्कुल बिल्कुल सवाल लेकर आऊंगा मैं। सर हमको परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटीज एंड मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं विजय, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, कोई बात नहीं। मुझे बस बताते रहिए कि मुझे समझ में आए कि हमारे स्टूडेंट को क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए, बहुत खूब। फिरदौस सर, आई एम फॉलोइंग योर क्लासेस वे बैक बट आई नेवर कमेंटेड, बट योर वे ऑफ डीलिंग एप्टीट्यूड इज सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच, इट रियली रियली डज मैटर टू मी, आपका वर्ड बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच फिरदौस। किवंदिति शाहू सर, प्लीज टीचर्स काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स इन एनी शेप। किवंदिति बहुत अच्छा, मैं ऑब्वियसली सिखाऊंगा, और मैं बताना चाहता हूँ ऑब्जर्वेशन स्किल्स का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक बार देख लीजिए, और भी कुछ नया चीजें है वो भी मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब में। साना बता रहा है वन इज वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, मैथमेटिकल साइंस 2019 दिसंबर, केमिकल मैथमेटिकल साइंस वाला जो पेपर आए थे उसमें थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइंसेस में भी ये सवाल आ सकता है। तो पहले आप सोचिए और मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी सारे स्टूडेंट पहले आप सोचिए, क्योंकि आपको सोचना है, ठीक है, एप्टीट्यूड में। बताइए, ये जो सवाल है मैं ट्रिक से करवाऊंगा, ट्रिक मतलब कुछ याद रखने वाला ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस। आप पहले दिमाग लगाइए, क्रिएटिव कुछ करिए, ठीक है ना, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करिए जी, और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब। दशरथन आर, वेरी गुड। अगर ये ऑनलाइन क्लास होता IFS का तो जरूर मैं बताता आपको कि आप अनम्यूट करके बताइए सही जवाब आपने कैसे ढूंढ कर निकाला। वेरी गुड आंसर, क्या बात, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। माई वे इज मोर इम्पॉर्टेंट, आप किस वे पे कर रहे हो ये अगर पता होता मुझे तो बहुत अच्छा लगता। सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। शिवानी सीएस सर, आपसे सीखा है शार्क टीथ ट्राइंगल का फॉर्मूला, आपके लेक्चर यूजफुल रहते हैं, थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम शिवानी राणा, बहुत अच्छा लगा, जरूर आगे भी आप सीखते जाओगे और बहुत बेहतरीन करोगे जिंदगी में। निकिता श्रीवास्तवा, वेरी वेरी गुड। चलिए तो ये सवाल जो है पूछा गया है, द डिफरेंस द सम द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर कोई स्टूडेंट को पता नहीं है कि इंटीजर्स क्या, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इंटीजर्स एक बहुत ही सीधा साधा बात है। इंटीजर्स क्या होता है जी, आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता था, 1, 2, 3, 4, आप जब बचपन में थे ये सारे नंबर्स आपको पता लग गया था, बिफोर यू स्टार्टेड एजुकेशन, फुल एजुकेशन। और ये सारे नंबर्स पता होने के बाद काउंटिंग, ह्यूमैनिटी जो सिविलाइजेशन है वो लोग भी काउंट करने के लिए ये नंबर्स का यूज करते थे। उसके बाद आप जब बच्चे थे आपको बताया गया कितने नोज है, आपने दिखाया एक नोज है, दो कान है, ये सब तो ठीक था। लेकिन उसके बाद आर्यभट्ट एंड टीम, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया, शून्य। क्या आइडिया, शून्य, शून्य मतलब आपको पता ही है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में या क्लासेस में मैं पूछ लेता हूँ स्टूडेंट को, बताइए शून्य या जीरो कहाँ पे है, क्या क्लास में जीरो आप ढूंढकर निकाल सकते हो। तो anyway, आपको भी कभी पूछूंगा ये सारे सवाल। आज के लिए बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ इंटीजर्स क्या है। वन से लेकर सारे नंबर्स आप बचपन में ही देख चुके थे, बस उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो जीरो एंड उसके बाद जो नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं उसको आप देख नहीं पाए। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा ये कहाँ पे है, तो देखिए आप थोड़ा सोचने लगोगे। तो जीरो से लेकर ये जो नंबर्स इस तरफ जा रहा है जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट साइड पे, और -1, -2, -3 इस साइड पे, इसी को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो आपको अगर इंटीजर्स पता नहीं था तो अभी से आपको पता लग गया। इंटीजर्स मतलब यहाँ पे और भी बताया गया है, द डिफरेंस एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द प्रोपोर्शन दिस दिस एंड दैट द टू इंटीजर्स आर। तो आपको बता रहा है द टू इंटीजर्स आर, और ऑप्शन में वो नंबर्स गिवन है। मतलब सर ऑप्शन से सोचना मेथड इतना इजी, जी हाँ, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक स्वाइप इक्वेशंस कुछ नहीं लगेगा जी, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सीसी हीट एंड ट्रायल, वेरी गुड विजय, बस ऑप्शन से सोचना मेथड। और भी इजी में बना देता हूं आपको, कंसेप्चुअल एक आइडिया मैं आपको देता हूं। देखिए बताया गया है कि द डिफरेंस द सम एंड प्रोडक्ट
आपको तीनों का रेशियो बताया गया है 1:3:10। मैं बता रहा हूं जी तीनों का करने का ही नहीं है, अगर रेशियो अनचेंज्ड होता है कोई भी दो को लेकर आप करो काम सेम करेगा। यानी कि सर आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं पहला दो को लेकर सोचूं फिर भी काम करेगा। जी हाँ एग्जैक्टली, मतलब फिर सिर्फ आप डिफरेंस ऑफ सम को सोचो। मान लीजिए ऑप्शन वन के बारे में सोचो, यानी 3 और 9 अगर डिफरेंस निकालोगे सर 9 - 3 6 आते हैं, समझ में आया, 9 - 3 डिफरेंस निकालोगे 6 आते हैं, और आप अगर सम निकालोगे सर 3 + 9 = 12 आते हैं। तो सर 6 और 12 रेशियो क्या होगा सर, रेशियो होगा 6:12 यानी के 1:2 हुआ क्या सर, 1:3 नहीं हुआ ना, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। बस सम और डिफरेंस का रेशियो निकालिए, तीनों करने का कोई भी जरूरत नहीं है, रेशियो अनचेंज्ड होते हैं इसमें। अगर फास्ट और लास्ट करना चाहते हो कर सकते हो, सेकंड लास्ट करना चाहते हो कर सकते हो, तीनों को करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका टाइम सेव करेगा। अभी देखो ऑप्शन टू, जल्दी जल्दी सोचो, 2 और 5 डिफरेंस क्या है सर, जल्दी बताओ, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या होगा प्लीज मुझे बताइए। आंसर ही पूरा करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी गुड निकिता, वेरी वेरी गुड निकिता श्रीवास्तव, जल्दी बताइए, वेरी गुड, 3 आ गया डिफरेंस, और शाम क्या होगा आंसर ही बताइए, 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा, यानी 3:7 होगा डिफरेंस, शाम का रेशियो 1:3 नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 पे आ जाएगी जी, डिफरेंस क्या होगा जी मुझे बताइए, 5 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 5 और 10 के बीच में, वेरी वेरी गुड शरतन विजय निकिता, वेरी गुड, 5 और 10 के बीच में, अभी मॉर्निंग मॉर्निंग चाय भी मिल गया, थैंक यू सो मच, देखिए चाय आ चुका है, तो चाय पीते पीते आपको पढ़ाया जाए, मुझे बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, फैंटेस्टिक। तो देखिए 5 है डिफरेंस, और शाम क्या होगा जी जल्दी बताइए, शाम क्या होगा जल्दी बताइए, What will be the value of S? साम क्या हो जाएगा? साम क्या हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे? आज हमारे कौन सी स्टूडेंट बताएगा? बहुत खूब था रतन, अंसारी, निकिता, वेरी वेरी गुड। यानी कि सर साम बन गया 15, और किसको नहीं पता सर 5:15 या फिर 5/15 जो भी रेशियो का कंसेप्ट लगाइए सर, यानी 1/3 यानी 1:3 होता है, किसको नहीं पता सर, सबको पता है, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 भी अगर करके देखोगे जी, 10 - 3 डिफरेंस 7, ऐड करके 13, रेशियो 1:3 नहीं आएगा। कितना इजी है, और रिसेंट ईयर 19 में पूछा गया था केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस पे, तो जिन सवालों को देखकर आपको लगता है ये तो हार्डकोर मैथमेटिकल सवाल है, कुछ नहीं है जी, बिलीव मी, मुझ पे अगर विश्वास है आप सुन लीजिए, CSI नेट में एप्टीट्यूड में पूरा डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका सोच कितना बेहतर है, क्या आप लॉजिक, कुछ जो होता है ना जुगाड़ होता है ना, कुछ चालाकी, ये अगर आपके पास है, चालाकी अगर आपके पास है, आप एप्टीट्यूड्स में हाई स्कोर बिल्कुल कर सकते हो। वेरी गुड, मजा आया कि नहीं आया बताइए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लासेस, बताओ मजा आ रहा है। तो ये सवाल आए थे December 2019। वेरी गुड सर, हैविंग 01 एज लास्ट डिजिट आर, यस यस शाना, यस बिल्कुल मजा आ गया विजय, तो बता दिया, चलो चलो आगे बढ़ता है, यस साक्षी सिंह इज सेइंग यस, आपको सीख मिल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलिए आगे और भी सवाल है जी, बहुत सारे सवाल है, सॉल्व करते हैं मिलके, चलो, which one of the following numbers is a prime number? फिर से एक सवाल आ चुका है जिसमें बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है जी, इस सवाल में छुपा हुआ डिविजिबिलिटी का नॉलेज है, प्राइम नंबर का नॉलेज है, तो सारे मैं बताऊंगा, पहले तो आपको मैं देना चाहता हूं 1 मिनट टाइम। वेरी गुड थर्शरतन, वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट ट्राई करते रहिए और मुझे बताइए, आरती वीएस बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। इस क्वेश्चन में बहुत सारे आप देख सकते हो, जून 2019 में आया था केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस पे, जून 2019 में केमिकल और मैथमेटिकल साइंस के पेपर में
ये सवाल दिया गया था और इस सवाल के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे आज। वेरी गुड लुबना रशीद, नाइस टू सी यू बैक, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, नाइस टू सी यू बैक। निकिता श्रीवास्तव, वेरी गुड आंसर ही साक्षी, क्या बात, हमारे तो सब बेहतर स्टूडेंट है। चलो देख लेते हैं जी। तो देखो सबसे पहली बात, एक एक करके हम सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। आरती वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बॉबीता चौधरी, वाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आराम से सीखेंगे। पहले मुझे बताओ, पहले आप मुझे बताइए जी, प्राइम नंबर होता क्या है? पहले आप मुझे बताइए आप, प्राइम नंबर होता क्या है? एक एक करके सीखेंगे, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है, बताइए क्या पता है प्राइम नंबर के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइम नंबर्स? हर्षरतन वेरी वेरी गुड। डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, अ नंबर विथ ओनली वन एंड इटसेल्फ एज डिवाइजर, वेरी गुड। आपने बताया एक नंबर ऐसा है जिसका खुद वो और वन एक डिवाइजर होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे टू है, टू का दो डिवाइजर है, एक वन और दूसरा टू। तीन भी है सर, तीन क्या है देखो सर, वन और थ्री। इवन प्राइम सिर्फ एक ही होता है और वो है दो, उसके बाद सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। जैसा पांच आ गया है जी, सेवन आ गया है जी, इलेवन आ गया है जी, थर्टीन आ गया है जी, एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर्स बहुत ही खास है क्योंकि इसका सिर्फ दो डिवाइजर है, एक वन और एक। लेकिन मुश्किल क्या है, अगर आप ये डिफिनेशन देते हो और कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने पूछा सर क्यों वन प्राइम नहीं है, आपने बताया उसका एक डिवाइजर वो खुद है, मतलब वन खुद है, दूसरा डिवाइजर वन है, तो इसका दो डिवाइजर है, वन एंड इटसेल्फ, सो व्हाई वन इज नॉट ए प्राइम? आप क्या समझाओगे, वन प्राइम होगा या नहीं? जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन विजय। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन करेगा आपका डेफिनेशन के माध्यम से, तो वन प्राइम है क्योंकि आपने बताया वन एक डिवाइजर है और वो खुद एक डिवाइजर है, उसके माध्यम से वन तो प्राइम होगा। अगर आप बताओगे, देखो बच्चों सारे याद रखो, बस याद रखो वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा मैम सर? प्राइम नंबर का क्वेश्चन जिस जेके सेट में भी आया था, जी हाँ लुबना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वन इज प्राइम एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो। नो 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 क्यों दी, प्राइम मीन्स टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर ओनली वन एंड इट्सेल्फ, वेरी वेरी गुड अंसारी। अंसारी का डेफिनेशन आप कोई भी बुक में, अच्छे बुक में हो जाते हैं कि डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम, टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर होना चाहिए, ऑलवेज टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ये वर्ड देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, सीख लीजिए, डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, दोनों डिवाइजर्स होना चाहिए। ये लेमेंस लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन है, लेमेंस के लैंग्वेज पे डेफिनेशन है, बिगर डेफिनेशन एक्चुअल रीजन हायर मैथ्स में होता है, आपका जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि दो डिस्टिंक्ट डिवाइजर होना चाहिए, बहुत अच्छा बताया आंसरी ने, वेरी वेरी गुड। एक वन और वो दूसरा, यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट डिवाइजर नहीं है, दोनों सेम हो चुका है, एज सिंपल एज दैट। तो एनीवे, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है। अभी देखिए मैं अगर बता दूं कौन सी नंबर प्राइम नहीं होगा, फिर से मान लीजिए 15, क्या ये प्राइम है मुझे बताओ, 15 क्या प्राइम है मुझे बताइए, 15 क्या प्राइम है, क्या 15 प्राइम नंबर है जी, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, क्या 15 प्राइम नंबर है? नो विजय, क्यों विजय ने नो बताया, क्योंकि सर वन और 15 से ऑब्वियसली 15 डिविजिबल है, वन और 15 इसका डिवाइजर बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन सर पांच भी तो है, सर तीन भी तो है, मतलब वन और 15 के अलावा भी और डिवाइजर्स मिल जाते हैं। तो कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है वो देखने के लिए आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या वो नंबर कोई छोटा प्राइम से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर डिविजिबल हो जाते हैं तो वो प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। चलिए इसी उद्देश्य के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे यात्रा या जर्नी। आप देख सकते हो 183 एक नंबर है, तो ये क्या कोई छोटा नंबर सा डिविजिबल है?
डिविजिबिलिटी के ऊपर एक पूरा का पूरा क्लास है, ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर नहीं पता है आपको मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा। अच्छा थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बताता हूं। देखिए 183 जो नंबर है ये कौन से नंबर से डिविजिबल है? देखिए निकिता श्रीवास्तव बता रहा है 3 से, तो निकिता को कैसे पता लगा कि सर ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा? डिविजिबल बाई 3 कैसे पता लगा निकिता को? उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं जी, बहुत सिंपल आइडिया है। इस क्वेश्चन के लिए जो जो आइडिया लगेगा मैं आपको बता दूंगा। डिविजिबल बाई 3, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा, 9 होगा, 3 और 9 का रूल सेम है, तो आप याद रख सकते हो जैसा रूल 3 का है वैसा 9 का है। इफ द डिजिट्स आर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल मतलब सर डिजिट सम बता रहे हो, डिजिट सम होता क्या है? बहुत इजी है, अगर मैं बता दूं, देखिए 21 3 से डिविजिबल है, सबको पता है। हाँ सर, डिजिट सम मतलब 2 प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 क्या है 3 है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है 3, तो 21 भी होगा। और बड़ा नंबर ले लेते हो सर 5 4 4 5, क्या ये 3 से डिविजिबल है? डिजिट सम करिए जी, 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 सर 18 होता है ना? जी हाँ सर, 18 क्या 3 से डिविजिबल है? जरूर है, मतलब वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। राइट डाउन सीसी इफ द आइडिया इज क्लियर। सिमिलरली 9 के बारे में है, जैसे जैसे देखिए 5 4 4 5, इसका सम क्या है 18, और 18 9 से डिविजिबल होगा, तो 5 4 4 5 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसी फॉर्मूला में जब 3 की जगह पर अगर आप 9 पुट कर देते हो, इफ द डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो 3 के लिए भी ये आइडिया है, 9 के लिए भी ये आइडिया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, प्लीज चेक करके बताइए। 183 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, 183 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ये जो छोटा प्राइम आप देख रहे हो, 2 3 5 7 11 13, इन सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल है, और इसको आपको टेस्ट करना होता है। जैसा 3 का रूल आपने देखा, 3 के अलावा कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं है, 9 भी है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत ज्यादा ठीक है। चलो अभी बताओ 121, ये जो नंबर है जी, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ये तो बच्चों को भी पता है सर। 11 का स्क्वायर हो जाते हैं 121, 11 का स्क्वायर हो जाते हैं 121, यानी के ये 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये नंबर भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जी, चलो बता ही देता हूं आपको। डिविजिबल बाय 11 कब होगा? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 कब होगा जी? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 कब होगा? इसीलिए मैं बताया आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, जो जो चीज पढ़ा रहा हूं सारी चीज बेहतरीन तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो तो देखो सर, 11 जो है ना, 11 का रूल क्या है आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अगर मैं ये नंबर दे देता हूं 3 6 3, क्या ये 11 से डिविजिबल है? थोड़ा चेक करके बताइए तो मुझे, बस नॉर्मल डिविजन करिए। 363 को नॉर्मल 11 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या ये होगा सर। 183 डिवाइडेड बाय 3, 121 डिवाइडेड, वेरी गुड शताब्दी, आपने डिकोड कर लिया। आप मुझे जल्दी जल्दी बताइए डिविजिबल बाय 11 होगा कि नहीं होगा 363? यस और नो, विजय ने बताया यस, निकिता ने बताया यस, यस होगा, आंसर ही बता रहा है। तो रूल क्या है जी, देखिए रूल है, ये कौन सा प्लेस है फर्स्ट है, ये कौन सा प्लेस है सेकंड है, ये कौन सा प्लेस है थर्ड प्लेस है,
आपको ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम. सो इफ द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड the sum of digits in even places, digits in even places is 0 or divisible by 11. अब देख सकते हो 3+3 odd places का sum. मैं ज्यादा example नहीं दूंगा. ऑड प्लेसेस का सम अगर करोगे आप, 3+3 क्या होता है जी, 6 होता है. इवन प्लेस में सिर्फ 6 है, इवन प्लेसेस का सम सिर्फ 6 आएगा और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है यानी अंतर वो 0 होता है. अगर ऐसा नंबर है तो वो 11 से डिविजिबल होगा सर. समझ में आया आपको? अगर ऐसा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा. आप देखिए, मैं लिस्ट देता हूं 1, 2, 1. क्या 11 से डिविजिबल होगा? जल्दी बताइए यस और नो, प्लीज राइट डाउन. अगर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, सीख के जाना है क्लासेस से ही. 121 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा सर. 1+1, 1+1 - 1+1, 2, 2 - 2, 0. तो ये हो जाएगा. अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं 517, इज इट डिविजिबल बाय 11? बताइए क्या वो 11 से डिविजिबल होगा? 517, 517 क्या ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? यस, आंसर ही बता रहा है. वेरी गुड. 5+7, 12 - 1 यानी 11. वेरी गुड. तो देखो 5+7 क्या होता है? 12, और ये होगा 12, और ये 1 जो है ये इवन प्लस में है यानी 11. तो ये जो है 11 से डिविजिबल है, मतलब ये भी हो जाएगा. एनीवे, आई होप यू सीख चुके हो आप. तो यहां पे देखिए 1, 2 × 1 11 से डिविजिबल होगा और रूल भी आपको पता ही चल गया. उसके बाद देखिए 10201, ये एक बहुत ही खास नंबर है स्टूडेंट. 10201 ऐसे नंबर्स को देखकर ही आप बता सकते हो किससे डिविजिबल है अगर आपको पता है. जैसा देखिए, मैं अगर बता दूं 10201, इसको अगर आप 101 से डिवाइड करते हो 101 हो जाएगा. यहाँ पे 1 आएगा और वहां पे 01 आएगा, तो यहाँ पे 0 आता है और उसके बाद 1 आता है, तो 101 हो जाएगा. तो सिंपल बात है जी, ये नंबर भी प्राइम नहीं होगा. इसके अलावा भी एक रूल है लेकिन आज उतना पढ़ा नहीं पाऊंगा. मतलब इतना चीजें है ना, आपको बताऊंगा. जैसा 157 प्राइम है कि नहीं है, ये रूल इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सारे बुक में आप देखना है ऐसे करा हुआ है, स्टूडेंट भी ये बताते हैं, लेकिन ये चेक करना जरूरी ही नहीं है. आप डायरेक्टली बता पाओगे थर्ड ऑप्शन 157 में आके कि वो प्राइम है. मैं कभी शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें वो बता दूंगा मैं आपको. तो एनीवे, ये भी प्राइम नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 101 हो जाते हैं. डिविजिबल बाय 101 होता है जी, सिर्फ 157 प्राइम हो जाएगा. तो ये होगा, ऐसे करना पड़ेगा जी, डिविजिबिलिटी काम पे लगाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को बोलने का मेन मतलब मेरा यही था, डिविजिबिलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीएसआई नेट एग्जाम. डिविजिबिलिटी टेस्ट करिएगा. हमारे जो सीएसआई नेट का जनरल एप्टीट्यूड बुक है आईएफएस का, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक के लिए रूल लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी वहां पे आपको ये मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर ऑल टेस्ट राइटिंग करा दे प्लीज, जरूर अंसारी मैं पढ़ाऊंगा आज. देखिए सातो, आपको एमएस धोनी को पसंद है, आपका आपको पसंद है एमएस धोनी को, तो महेंद्र सिंह धोनी का जो जर्सी नंबर है यानी 7, वी हैव 7 क्वेश्चन, तो इसीलिए 7 क्वेश्चन कराना ही है आपको. तो ज्यादा जो है आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, हालांकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूंगा और आप सीखते जाओगे. ठीक है, पलक बता रहा है हेलो. हेलो टू पलक, वेलकम जी पलक, वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आगे भी बहुत सीखते जाएंगे हम लोग. चलिए
आंसरी बहुत सारे टेस्ट का रूल है। आज आपको दो सिखाया मैं, एक तीन के बारे में सिखाया, आपको नाइन के बारे में सिखाया, ग्यारह के बारे में सिखाया, ठीक है। आगे जाके और भी आप मुझसे सीखोगे, मैं बताते रहूंगा धीरे धीरे, बहुत सारे क्लासेस के माध्यम से मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है आंसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, कौन कर पाओगे जल्दी बताइए। केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस जून 2019 पे ये सवाल आए थे, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस जून 2019 पे। बहुत ही इजी सवाल है, काउंटिंग के सवाल है, दिमाग लगाकर कर ही सकते हो, मेन बात कम टाइम में करना। चलो द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप द नंबर ऑफ डिजिट्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बेहतरीन सवाल है, बताया गया है द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर्स ऑफ ए बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 is 2019। ध्यान दीजिएगा 2019 पेज नंबर नहीं है, 2019 डिजिट का नंबर है। मतलब सर जैसा मैं अगर तीनों पेज लिखू 97, 98 और 99, इन तीनों पेज है एक बुक में। 97 के लिए आपने दो डिजिट यूज किया, 98 के लिए आपने दो डिजिट यूज किया, 99 के लिए दो डिजिट यूज किया, यानी टोटल आपने 6 डिजिट्स यूज किया। ऐसे ही कोई एक बुक है, कितना पेज है पता नहीं है, वही आपको ढूंढना है। पहला पेज से शुरू करके अगर काउंट करते हो आप 2019 में डिजिट आप यूज कर चुके हो, What is the number of pages in that book? I'm waiting for your answer, Ansari. सारे स्टूडेंट ट्राई करिए बेहतरीन तरीके से, विजय बताइए, पलक बताइए, निकिता बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए, What should be the correct answer of this question? इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? आंसरी बता रहे हैं ऑप्शन 4। आंसरी थोड़ा और बेहतरीन सोचिए, कोई सिंपल चीज, सिंपल सा चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सा चीज आप पहले सोचिए खुद। वेरी गुड, आपका ट्राई बहुत ही करीब है, मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हुआ है, बट यू आर ट्राइंग इन अ वेरी गुड मैनर। बता द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर्स ऑफ ए बुक। कोई एक बुक है, किताब है, उस किताब में पेजेस के ऊपर जो नंबर है आप यूज कर रहे हो, नंबर्स, उन नंबर्स को यूज करने के वक्त पे जितना संख्या या डिजिट आप यूज किया, उस डिजिट्सों का नंबर जो है 2019 हुआ है, इस किताब में कितने पन्ने हैं बताओ, पन्ने कितने हैं, पन्ने गिनना है आपको। या वेरी गुड आंसर, यू गॉट इट करेक्टली, वेरी गुड विजय, वेरी वेरी गुड जी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन सवाल जो CSI ने जून 2019 पे आए थे और केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस के पेपर में ये सवाल प्रेजेंट था, तो प्लीज बताइए सारे स्टूडेंट। चलो तो देखो बहुत सिंपल है, एक एक करके सोचो ना सर, 1 से लेकर अगर 9 तक देखोगे, फर्स्ट पेज से लेकर 9th पेजेस तक आप जाओगे, तो कितने डिजिट्स यूज होगा प्लीज बताओ। ये तो बच्चों जैसा है, प्लीज बताइए जी, 1 से लेकर 9 तक कितने संख्या आप यूज करोगे, कितने संख्या है जल्दी बताओ। 9 नंबर से आंसर ही, वेरी वेरी गुड, आप देख सकते हो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स है। ये गया 1 डिजिट वाला नंबर शताब्दी, वेरी गुड, 1 डिजिट वाला नंबर। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ जाएगा सर, 2 डिजिट यानी 10 से शुरू होगा, 10 से शुरू होने के बाद कहां तक 2 डिजिट नंबर्स रहेगा, 2 डिजिट वाला पेज रहेगा, प्लीज बताइए 2 डिजिट वाला पेज कहां तक लिखना है जी सर, क्यों 99 तक, हाँ या ना बताओ सर, 99 तक होगा ना 2 डिजिट वाला पेजेस, बताइए जी 99 तक होगा, यस सर, वेरी गुड शताब्दी निकिता। तो हर एक में सर 2-2 करके डिजिट है, लेकिन मुश्किल है नंबर्स कितने हैं, आप मुझे बताइए तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स होते हैं, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। आंसर यहाँ पे ही आपको गलती हुआ था पहले बार,
ठीक है ना। तो मुझे बताइए 10 से लेकर 99 तक। हाँ आंसर ही अभी बिल्कुल सही किया आपने, 10 से लेकर 99 तक ना पलक 100 नंबर। देखो ना एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन करूं 1 से लेकर 9 तक कितना नंबर है, अगर आप 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आता है ना, लेकिन आपने क्या बोला खुद में 9 नंबर बोला ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ऐड करना भी जरूरी होता है। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए 99 माइनस 10 करने के बाद क्या होता है, 89 होता है। 99 माइनस 10 करने के बाद 89 होता है, लेकिन नंबर्स कितने हो जाएंगे, प्लस 1 यानी 90 में नहीं। कोई बताया सही जवाब, कोई बताया, विजय ने बताया सही जवाब, विजय ने बताया। नो मुश्किल, नो मुश्किल निकिता, कोई भी जवाब गलती होता है, कोई बात नहीं आंसर ही। तो देखो 90 जो है ये मेनी नंबर्स होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं 5 से 10 तक कितना नंबर्स है, तो आप काउंट करो 5 6 7 8 9 10 6 नंबर्स होते हैं जी, 6 नंबर्स होते हैं। कैसे करना है सर, 10 माइनस 5 करो, क्या आता है 5 आता है ना, उसके साथ 1 ऐड कर दो, यानी 6 नंबर्स हो जाएगा काउंट करने के बाद। इज इट क्रिस्टल क्लियर, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताओ यार, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए। तो 9 हो गया और यहाँ पे 90 प्लस 9 आ चुका है, 90 प्लस 9 आ चुका है, प्लीज कमेंट करके बताइए। यस सर, वेरी गुड। तो 99 माइनस 10 यानी 89 हुआ था, प्लस 9 ये आ चुका है, यानी 99 में नहीं आ चुका है। वेरी वेरी गुड, बहुत खूब। तो अभी भी आपको कितना जाना है, 2019 तक जाना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन से सोचना मेथड, मान लीजिए 609 पेजेस तक है, आपको अभी कहाँ से जाना है, 100 से। अगर आप 609 पेजेस तक जाओगे, सारे स्टूडेंट मेरे साथ साथ बताइए कितने नंबर्स रहेगा, 100 से 609 तक कितने नंबर्स है, अभी सिखा चुका हूं आपको, जल्दी जल्दी बताओ 100 से 609 पेजेस तक कितने नंबर्स है, प्लीज बताइए जी, 100 से 609 पेजेस तक कितने नंबर्स है, कौन बताएगा हमको 100 से 609 पेजेस तक कितने नंबर्स है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताइए। I'm waiting for your answer जी, कितने, निकिता ने बताया सर 510 में नहीं, बहुत खूब, बिल्कुल सही बताया आपने। शताब्दी क्यों बता रहे हो आप 700, अच्छा आंसर बता रहे हो आप, ठीक है। फिर दोस्त ने बताया 510 में नहीं, शताब्दी बता रहा है 510, आंसर ही बता रहा है 510, वेरी वेरी गुड। तो 510 में नहीं पेजेस है, और हर एक में कितने डिजिट्स है, हर एक में कितने डिजिट्स है जी, 3 डिजिट्स नंबर में, हर एक में कितने डिजिट्स है जल्दी बताओ, हर एक में कितने डिजिट्स है स्टूडेंट, हर एक में कितने डिजिट्स है जल्दी बताइए, 510। अच्छा यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं किया ना सर, गलती से भूल गया सर, 10 से 99 तक 90 नंबर्स है, और हर एक में 2 डिजिट्स है ना सर, टोटल 180 डिजिट्स, कौन लिखेगा सर, आप भूल क्यों जाते हो, क्या बताऊं, यादस चला जा रहा है गजनी की तरह। तो आप देखो 90 into 2 180 हो जाना चाहिए राइट, 180 नंबर्स यहाँ पे डिजिट्स है, तो वो तो सॉर्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है सर 510 में नहीं, हर एक में 3 है, यानी 3 करना भी तो पड़ेगा सर। अभी देखो मल्टीप्लाई करने का इजी उपाय, वैदिक मैथ का टेक्निक मैं बता रहा हूं जी, 5 और 10, 510 सबको पता है, 5 और 10 मिलके होता है 510, क्या बता रहे हो सर, 5 और 10 तो 15 होता है, नहीं जी 500 प्लस 10, ऐसे सोचो। अभी देखो सर 3 into 5 होता क्या है 15, यानी 1500 प्लस 3 into 10 होता क्या है 30, यानी सर ये हो जाएगा 1530। मजा आया कि नहीं आया जी, बताओ कैसे टेक्निक से मल्टीप्लाई करना है। देखो जी 510 को सोचो दिमाग में, 500 प्लस 10 3 into 5 1500, 3 into 10 30, 1530 शुड बी द आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर ही। तो 1530, तो सर 9 प्लस 180 ऑलरेडी 189 बन ही गया था, उसके साथ अगर सर आप 1530 ऐड करोगे तो क्या आपको जवाब मिलेगा सर, देखिए ना
सर 1530 प्लस ये 189 करके क्या होगा, ये देखो सर 9 आता है, 8 3 11 हो गया, 7 हो गया सर 1719, 2019 नहीं आया ना जी, नहीं आया, मतलब ये सब सही जवाब नहीं हो सकता सर। 610 अगर होगा तो क्या ही होगा सर, यहाँ पे अगर 609 ना होकर 610 होगा, यहाँ पे एक ज्यादा होगा, यहाँ पे एक ज्यादा होगा, एक पे यानी तीन डिजिट ज्यादा होगा, प्लस तीन करके भी तो नहीं आएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बताइए हाँ या ना सर। अगर 610 होगा बस एक पेज के लिए तीन डिजिट और ज्यादा सर, 719 के साथ तीन ऐड करो ना, कभी नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया सर। सर बस आज के लिए हाँ बताओ, यस वेरी गुड, तो देखो ये 610 भी नहीं होगा सर, 709 लेकर देख लीजिए, शताब्दी ने बताया थी 709 अगर हो जाता है जी, यहाँ पे मान लीजिए 709 हो जाता है जी, तो 709 से लेकर 100 में कितना पेज है, सारे स्टूडेंट बताएगा सर क्यू सर 610 में नहीं होगा जी, हाँ आप बिल्कुल सही बता रहे हो जी, 610 और 6 × 3 करके क्या आंसर आएगा सर, अभी अभी तो आपने सिखाया 6 × 3 18, 3 × 3 30, मतलब सर यहाँ पे 1830 आ जाएगा, बिल्कुल सही अभी तो आपने सिखाया। और सर अगर सर यहाँ पे आप बदल देते हो ये सारे डिजिट्स को तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा ना, हाँ, और यहाँ पे 9 11 9 0 1 2 0 1 9, आंसर इज 709, दैट इज हाउ यू नीड टू सॉल्व, गॉट इट और नॉट। क्या इसमें मैथ्स है सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्लास फोर्थ तक चीजें, बिलीव मी मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं जो CSIR नेट का एप्टीट्यूड है, उसमें सिर्फ तीन चीजें लगेगा जी, अगर आपको तीन चीजें करना आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल नहीं, ऐसे स्मार्टर वे पे वैदिक मैथ या नॉर्मल स्मार्टर वे पे एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बताओगे सर कैलकुलेटर होता है, नहीं चलेगा जी, कैलकुलेटर से फास्टर वो बंदा वो बंदी करेगा जिसके दिमाग फास्ट है, चारों चीज आना चाहिए आपको, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना, अगर एप्टीट्यूड कर रहे हो मेरा एक, अगर मेरे बात मानते हो प्लीज उसी वक्त पे स्मार्टफोन को दूर पे रखो, कैलकुलेटर को दूर पे रखो, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को मैंने देखा, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को मैंने देखा, न्यूमेरिकल करते करते हैबिट हो गया तो ऑब्वियसली आपका कैलकुलेटर सबसे आगे आ जाता है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कैलकुलेशन में इंडियंस बहुत माइनर बहुत यू नो दे वर वेरी वेरी पॉपुलर फॉर कैलकुलेशन, अभी भी पूरा दुनिया मानता है कि इंडियंस आर वेरी गुड विद नंबर्स, सो इसको कभी भी वेस्ट मत करिए, आपके अंदर आपके जीन में वो क्वालिटी है, डू नॉट वेस्ट दिस क्वालिटी यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये जो आइडियाज है ये आना चाहिए। सेकेंड बात यूनिटरी मेथड, यानी एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए, 10 चॉकलेट का प्राइस 5 × 10 50 रुपए, बिलीव मी सारे क्वेश्चन में ये तीनों चीज से कराऊंगा, एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरा है यूनिटरी मेथड, एक चॉकलेट 5 5 चॉकलेट 10, और तीसरा है नॉर्मल मेथड, मतलब एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है, 50 रुपीज में कितना चॉकलेट खरीद सकते हो सारे स्टूडेंट बताइए, वर्क एंड टाइम का सारे क्वेश्चन में इसी आइडिया से कराऊंगा, लास्ट वाला सारे क्वेश्चन कुछ भी दो सिर्फ एक आइडिया, एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपए है, 50 रुपए में कितना चॉकलेट खरीद सकते हो सर, 50/5 10 चॉकलेट जी, बस हाँ इतना ही, हाँ इतना ही, पूरा CSIR ने जनरल एप्टीट्यूड आंसर ही मैं सारे स्टूडेंट को बता दूं, बस ये तीनों चीज आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, बिलीव मी। देखो ये जो सवाल है कुछ नहीं है, कॉमन सेंस और एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर इज 709, वेरी गुड। चलो ये नंबर ट्रिकी सवाल है, देख कर ही बता दोगे, दिमाग कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, CSIR ने 2021 मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन, CSIR ने मैथमेटिकल साइंस, CSIR ने जून 2021 यानी 2022 फरवरी में जो सवाल हुआ था, CSIR ने फरवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था जी, वो जून का एग्जाम फरवरी में हुआ था, इस सवाल आया था, ये कॉमन सेंस का सवाल है, जो देखकर दिमाग लगाएगा नॉर्मल चालाकी करेगा उसका आंसर सबसे आगे आएगा। द स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर, यानी सर कोई एक टू डिजिट नंबर है मान लीजिए XY, उसका स्क्वायर विथ नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब XY नॉन जीरो है, इज द नंबर इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय द डिजिट C, मतलब सर फिर से पढ़ो, द स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर, मतलब XY का जो स्क्वायर है
इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय द डिजिट सी, मतलब उसके आगे। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है जल्दी से हिंदी पढ़ लेना, आपका सी एस आई में ऑलरेडी हिंदी वाला वर्जन भी होता है, उसके आगे सी होगा, मतलब ये एक्स वाई का स्क्वायर सी एक्स वाई होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। ऐसा नंबर बहुत बार देख चुके हो, दो डिजिट नंबर का स्क्वायर एंड में भी वो दो डिजिट आया है, जल्दी जल्दी बताओ यार क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ यार आंसर क्या होगा। ये बहुत बचपन से देखते आए हो, दो डिजिट का स्क्वायर ऐसा लास्ट में भी वो दो डिजिट आया है, सामने कुछ आया है, बताओ क्या होगा। सारे स्टूडेंट बताइए प्लीज, एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई होगा, जल्दी बताओ। टू डिजिट का स्क्वायर लास्ट में भी वो दो डिजिट आएगा, उसके आगे एक तीन नंबर डिजिट आएगा, जल्दी बताइए ऐसा नंबर क्या होता है, किसका स्क्वायर में लास्ट दो डिजिट भी वो ही आता है। नहीं आंसर ही, सोचिए सोचिए सोचिए, दो डिजिट का स्क्वायर लास्ट में भी वो ही आया है। 144 का स्क्वायर 144 होता है। वेरी गुड विजय, नमस्ते विशाल जी, वेलकम वेलकम, नमस्ते विशाल जी, वेरी वेरी गुड। चार बता रहे हो फिरदोस, फिरदोस बहुत खूब। कौन सी वो नंबर है जिसका स्क्वायर एंड में भी 25 का स्क्वायर, आंसर ही, वेरी वेरी गुड जी। 25 का स्क्वायर बचपन से देखते हो क्या होता है। सारे स्टूडेंट एक साथ बताओ, जितने भी स्टूडेंट हो अभी दिमाग खोला, अरे सर ये तो मुझे पता था। तो मेन स्ट्रगल इज कि क्वेश्चन समझना, और उसके बाद बस, ये तो बचपन से सबको पता है। श्रद्धा वेरी गुड, 25 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, 625 आंसर ही, वेरी गुड। तो देखो हुआ ना सर, 25 आया ना स्क्वायर करने के बाद, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। और सामने वाला डिजिट क्या है सर, 6 है, वही तो पूछा है। द स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर विद अ नॉन जीरो डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ प्रीसीडेड बाय द डिजिट सी, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। सर ऐसे कर सकते हैं सवाल, जी हाँ ऐसे ही करना है, सीएसआई ने कभी नहीं बताता है, आपको मैथ करके करना है। रिसेंट ईयर का सवाल है देखो, तो ऐसे सवाल आएगा आंसर ही, नॉट ऐसा कि बहुत मजा आएगा एप्टीट्यूड पढ़ने में। अभी अभी बैच शुरू हुआ है, कल से एक नया बैच शुरू हुआ है, मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, कल बस शाम को 4 से 6 बजे क्लास रहता है हमारे IFS के ऐप में, 4 से 6 PM कल से ही एक नया बैच शुरू हुआ है। 21 डेज तक मैं पढ़ाऊंगा जी, 21 डेज तक पढ़ाऊंगा, हर दिन 2 घंटे का लेक्चर्स हो रहा है, DPP PDF सब है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारे नंबर पे अभी अभी कॉल करिए, बहुत सारे स्टूडेंट जोड़ चुके हैं, कल मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाया। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो हमारे IFS का जो नंबर है, आई होप आपके पास है, 9172268 9, वो जो नंबर है उसमें आप कॉल करिए। और प्लीज सर आज के लिए इतना सफिशियंट है प्लीज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आंसर ही, MS धोनी का जर्सी नंबर, आई नो कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, 7 questions will be there every day, ठीक है। चलो आप प्लीज, फीस क्या है ये सारे बात में आप एक बार कॉल कर लीजिए, आप हमारे नंबर पता है आपको, ifsonline.com भी पता है, ifsonline.com वहां पे जाकर भी आप एनरोल कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर को कॉल करके असिस्टेंटशिप आपको मिल जाएगा, वहां पे कॉल करके पूछिए एक बार, तो ठीक है। ये जो है और लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये मैजिक है, बस ध्यान देकर लास्ट क्वेश्चन है आंसर ही, मुझे पता है इतना कंसेंट्रेट करना, सर इतना पढ़ा रहे हो आप, क्या सर क्या बताओ क्या करूं, आपके लिए ही कर रहा हूं, तो आप बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, CSIR ने 2016 जून 2016 में आया है, बहुत ज्यादा चांस है ये रिपीट होगा इस साल में, गणेश बहुत ज्यादा चांस है ये रिपीट हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट सवाल आ सकता है, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस में आया था 2016 में। सवाल पढ़ो, चालाकी करो, कुछ सॉल्व नहीं करना है, मेरा प्रॉमिस है, चालाकी करो और इसका जवाब बताओ, चालाकी करो और इसका जवाब बताओ, मैं देखना चाहता हूं आप में से चालाक सबसे ज्यादा, जो जुगाड़ी कौन है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस किसके अंदर काम कर रहा है अभी, जल्दी बताओ। गणेश ने बताया सर 2, बाकी स्टूडेंट बताइए। सर यूट्यूब पे रेगुलर क्लास नहीं होगा क्या? होगा श्रद्धा, आज से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या होता है कभी कभार ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस इतना ज्यादा हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, नहीं तो क्या है इस वीक में पूरा होगा, सुबह 10 बजे हर दिन सुबह 10 AM यूट्यूब में क्लास है, 10 AM यूट्यूब में क्लास है, जो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे IFS एप्टीट्यूड चैनल में। और आपका 4 से 6
4 से 6 PM जो है बैच में क्लास है, लाइव बैच में क्लास है, ये आपका IFS ऐप में होगा, IFS ऐप में होगा। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा और ये तो YouTube में आपको मिल ही रहा है। तो anyway, तो ये अभी क्लासेस जो है मेरा चल रहा है CSIR में। तो चलो मुझे बताओ which is correct, ये लास्ट क्वेश्चन है जी, पूरा जान लगाकर इस सवाल को सोचिए, मैं बता रहा हूं जस्ट दिमाग लगाकर आपको करना है, कुछ नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। चूज द 4-digit number इन व्हिच द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 digit इज 40, प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट इज 28, द 1000 digit आपको पता है 1000 digits क्या है, ये यूनिट, ये टेंथ, ये 100 और ये 1000 सर सबको पता है। तो सर आपको बताना पड़ेगा कि द 1000 digit इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट एज द 100 digit इज लेस देन द 10 digit, तो वो नंबर क्या है। लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर ही बता रहा है ऑप्शन वन, बेहतरीन। चलो सोचते हैं इस क्वेश्चन को, बबीता चौधरी वेरी गुड, हमारे बैच में बहुत ही चालाक स्टूडेंट्स है, साक्षी सिंह वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, कैसे किया प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मेथड क्या है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मेथड का नाम क्या है ऑप्शन से, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, श्रद्धा सोचिए ऑप्शन से सोचिए और बताइए सर मेथड का नाम क्या है, ऑप्शन से सोचना मेथड, कुछ नहीं करना है जी, ऑप्शन से सोचना, जहां से शुरू हुआ था वहां पे खत्म, ऑप्शन से सोचना मेथड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑप्शन से सोचना मेथड। यानी सर आपको बताया गया चूज द 4-digit number इन विच द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 digit इज 40, ये है पहला कंडीशन। नंबर का सारे सवालों में आपको कंडीशन दिया जाएगा, यू नीड टू बी अ डिटेक्टिव जैसा बात करना पड़ेगा आपको, शार्लक होम्स बन जाइए। देखिए फर्स्ट और फोर्थ डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन 40 होता है क्या, 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40, 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40, मतलब सर ये कोई काम का कंडीशन ही नहीं है, कुछ काम पे नहीं आया, अगर एलिमिनेट नहीं करता है ऑप्शन को वो कोई काम का कंडीशन नहीं है। उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट इज 28, यानी 4 × 7 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 4 × 7 = 28, सर ये भी कोई काम का नहीं है, मतलब पहला लाइन एकदम बेकार लाइन है, कोई काम पे नहीं लगता है। जी हाँ सही समझा आपने, ऐसा लाइन देखो सेटिस्फाई कराओ, लाइन देखो सेटिस्फाई कराओ, आंसर ले लो, 2 marks मिल जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा जी। चलो उसके बाद द 1000 digit इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट, ये एज मच वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं लेस है, 1000 digit जो है यूनिट डिजिट से लेस है जी, 1000 digit मतलब ये 1000 digit मतलब लास्ट वाला 8, एकदम फोर्थ डिजिट जो है 1000 digit वो है एकदम फोर्थ डिजिट, तो देख सकते हो आप सर बताया 1000 digit यूनिट से छोटा है सर, 8 तो 1000 है, 5 यूनिट है छोटा है क्या, नहीं है सर, 8 से 1000 है, 5 यूनिट है छोटा है क्या, नहीं है सर, 5 8 से छोटा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा जरूर सर। उसके बाद द यूनिट डिजिट, सॉरी द एस देन द यूनिट डिजिट एज द 100 digit इज लेस देन द 10 digit, अच्छा मतलब 100 digit यानी थर्ड वाला डिजिट लेस देन द 10 digit मतलब सेकेंड वाला, मतलब सर 100 digit इससे छोटा होना चाहिए, तो बड़ा है नहीं होगा, 100 digit इससे छोटा है, बहुत बहुत खूब आंसरी, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया जी आप लोगों के साथ क्लास करके, थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट द आइडिया, ऐसे ही सवाल हम करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, थ्योरी थ्योरी के साथ क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ जुगाड़, सब कुछ मिलाकर एक जो खिचड़ी होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गिविंग मी योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, कंसेंट्रेशन के साथ, कल से सेशन पक्का 1 घंटा का होगा, बट 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा, उससे कम तो नहीं हो पाएगा, कुछ सीखना है तो 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच साक्षी, यू आर मोस्ट वेलकम, आई होप आपको समझ में आया, आपको मजा आया, आपको सीखने को मिला, 7 क्वेश्चन हर दिन 7 सवाल हम लगाएंगे और वो हर सवाल के माध्यम से हम कुछ सीखेंगे। बबीता चौधरी थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम, फिर नो थैंक यू सो मच, अंशरी नाइस सेशन, थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम अंशरी, बहुत अच्छा लगा आपको सर मिलकर
क्लास करके आई होप आप लोग बहुत अच्छे करने वाले हो क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। तो प्लीज ये बरकरार रखिए और आंसर ही देखिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने ही बताया था आज शुरुआत में कि सर मुझसे ये होता है, प्रॉब्लम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर भी आप ही कर रहे हो आज। तो देखो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सारे स्टूडेंट ने, वेरी वेरी गुड। शताब्दी बताया, थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम। बबीता, शताब्दी, एवरीवन। चलिए लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM शार्प एट 10 AM, एक घंटे का सेशन होगा, आ जाइएगा, हंसी मजाक में पढ़ाई करेंगे। गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लेट्स मीट टुमारो एट 10 AM। चलिए।